पूर्णिमा के प्रथम स्नान पर्व पर 23 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा सकुशल एवं निर्विघ्न संपन्न हुआ। प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा की गई व्यवस्थाओं के कारण भोर से ही स्नान प्रारंभ हो गया था। 23 लाख स्नानार्थियों श्रद्धालुओं ने गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम तट तथा गंगा जी के विभिन्न तटों पर स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। यह जानकारी प्रभारी मेलाधिकारी ने दी है। उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी। माघ माह में कल्पवास प्रयागराज जनपद का गौरव है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को मेले में भटकना न पड़े इसके लिए मार्ग प्रदर्शित करते हुए बोर्ड रास्तों पर लगाए गए हैं। मेला क्षेत्र में आवागमन सुचारू बनाने के लिए 5 पार्टन पुल, उपचार के लिए चिकित्सालयों तथा अधिकाधिक शौचालयों की स्थापना तथा उनकी साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की गई है। पौष पूर्णिमा से माघ मास प्रारंभ होने के कारण एक मास कल्पवास करने वाले कल्पवासियों एवं स्नानार्थियों का आगमन निरंतर हो रहा है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना प्रकाश में नहीं आई। माघ मेला में NDRF एवं जल पुलिस भी बराबर चौकसी करते रहे। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा स्नान घाटों का भ्रमण कर साधु संतों एवं तीर्थ यात्रियों स्नानार्थियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर मेला व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर सभी के द्वारा मेला प्राधिकरण की व्यवस्था जैसे संगम स्नान घाट, गंगा जल की शुद्धता एवं मात्रा तथा सुरक्षा व्यवस्था और मेले में की गई अन्य व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर स्नानार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार कनौजिया, श्री रजनीश कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक मांग मेला व अन्य मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारीगण मेला क्षेत्र का भ्रमण कर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु स्नान घाटों पर सतत निगाह रखे रहे। खबर जगत प्रयागराज से आशुतोष गुप्ता की रिपोर्ट। हम राम लखन शुक्ला, प्रतापगढ़ सकरदहा। हम लोगों का एक महीने का कल्पवास आज से प्रारंभ हो रहा है। संगम स्नान होगा और एक महीने पूरा कल्पवास में रहेंगे। आज का क्या महत्व है? पूर्णिमा का महत्व है। आज के दिन से ही एक महीने कल्पवास का नियम होता है और एक महीने हम लोग रहेंगे। संकल्प लेकर रहे। ठीक है, नाम बताएं। राम लखन शुक्ला। हाँ बाबू जी, कहाँ से आए हैं और आपने आज क्या? हम तो आए हैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। गांव है सकरदहा। हाँ। संगम आए हैं, संगम स्नान करने आए हैं हम। क्या कहते हैं, कल्पवास। आज क्या है, आज क्या महत्व है? पूर्णिमा है, पूर्णिमा पौषी पूर्णिमा है, इसलिए पहला दिन हम लोगों का स्नान का। कल्पवास के लिए आए? कल्पवास पूरा एक महीना, एक महीना रहेंगे यही संगम पर। हाँ ठीक है, नाम बताएं अपना। शिवराम मिश्रा। अभी तक 6-7 घाटों पे स्नान चल रहा है और सभी जगह हमने गोताखोर और हमारी जल पुलिस नाव में और SDRF की टीम से सभी जगह लगे हुए हैं। मैं अभी सभी जगह चेक करके आई हूँ, सभी जगह सकुशल चल रहा है स्नान। हाँ अभी भीड़ लगता है, ये जैसे जैसे दिन चढ़ेगा धूप निकलेगी और भी भीड़ आएगी। हमारे सारे इंतज़ाम पुख्ता हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं। जितने भी स्नानार्थी श्रद्धालु आएंगे हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से स्नान करा के संपन्न करा के अपने उनके गंतव्य की तरफ भेजेंगे। जी मेले की सुरक्षा व्यवस्था हमारे जैसे मैंने बताया, घाटों पे सभी जगह फोर्स भी लगी है, हमने डीप वाटर बैरिकेडिंग भी करी है, जाल नेट भी लगाया है और जो सिविल पुलिस का
सेगमेंट है वो भी लगे हैं, और 174 कैमराज का हमारा फीड ICCC से मॉनिटरिंग की जा रही है, और सभी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण पे हैं। सादे में भी हमारी टीम लगी हुई है अलग अलग जगह पे घाटों में, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो, कोई अपराध कारित ना हो, और हमारी SDRF की कंपनीज, RAF की कंपनीज सभी जगह डिप्लॉयड है।